24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में स्वर्गीय संजय पवार की स्मृति में अभिभाषक संघ द्वारा T20 क्रिकेट लेदर बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी, जिला कलेक्टर गोपाल चंद डाट, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे, राजकुमार पाठक सहित अनेक स्थानों के टीम खिलाड़ी और क्रिकेट खेल प्रेमी मौजूद थे। कलेक्टर डाट ने बाहर से आए खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए कहा कि खरगोन बहुत शांति प्रिय शहर है, 5 दिन तक खूब आनंद ले। SP पांडे ने कहा कि खरगोन के मौसम का खूब इंजॉय करें। अभिभाषक संघ के राजकुमार ने बताया कि 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में जबलपुर, देवास, इंदौर, होशंगाबाद, शिवनी सहित अनेक स्थानों की टीमों ने हिस्सा लिया है। शुभारंभ के अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। पहला मैच जबलपुर और होशंगाबाद के बीच खेला गया, जिसमें जबलपुर के खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग करते हुए मैच जीता। इसी तरह दूसरा मैच इंदौर और देवास के बीच खेला गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। होशंगाबाद उनसे हारी है, होशंगाबाद में नर्मदा जी बहती है, देवास जिले की भी टीम खड़ी, देवास जिले से भी नर्मदा जी बहती है। आयोजन करने वाले खरगोन बार खरगोन से भी नर्मदा जी बहती है और इंदौर भी शायद व्यवस्था है तो इंदौर वाले नर्मदा जी का पानी पीते हैं। ठीक है, नर्मदा जी का आज ये चारों टीमें और आयोजन समिति का सहयोग ऐसा नर्मदा स्नान करते ही होंगे। कलेक्टर साहब बोले कि नर्मदा स्नान करें, मैं तो दो चीज़ें बोलने आया हूँ। आयोजन समिति से निवेदन करता हूँ कि शहर में बाकायदा अभी बुलाएं और अनाउंसमेंट की व्यवस्था करें। कई क्रिकेट प्रेमी ऐसे हैं कि स्टेडियम में बैठेंगे तो स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा। दूसरी, आपकी तरफ से जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी हो तो हमको बताएं, वो व्यवस्थाओं की कमी हम दूर करेंगे। बाहर से आने वाले खिलाड़ी के मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। तीसरी बात, होशंगाबाद हार गए के विदाई नहीं, मेरा ये कहना है कि 29 तारीख तक सभी टीमें रोके, आपके पास व्यवस्था नहीं हो तो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये खेलने के साथ साथ इनको पिकनिक मना दो, देखने दो, इनका मार्गदर्शन बाकी टीमों को मिलने दो, सारी व्यवस्था हो जाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तो बार के अध्यक्ष आदरणीय राजू भाई से निवेदन करता हूँ कि आप तो घोषणा कर दो कि 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक हर साल मध्य प्रदेश की सारी टीमें, अभी 20 आई, अगले साल करें तो पूरे 52 जिलों की टीमों ने यहाँ आना चाहिए और 15 दिन तक टूर्नामेंट चलना चाहिए। जो कमी बेसी होगी हम सब मिलकर दूर करेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अगली बार जब इनको बुलाओ तो खिलाड़ियों 11 लोगों को मत बुलाओ, 11 परिवारों को बुलाओ, ये भी पति पत्नी आए, खूब आनंद ले, खूब निवाड़ में घूमे, नर्मदा जी जाए, किसी दिन कहीं जाए, इस तरीके से बुलाओ। 10 दिन तक 1000 मेहमान अपने घर में, अपने को खुशी होगा, अच्छा लगे। क्यों पवन मजा आयो आई बने बार अहमद कहेंगी जब काटी ले सर। ठीक, तो आप बहुत शुभकामनाएं मेरी, जो कमियां होगी आप जैसा जैसा बताएंगे, वैसी वैसी राजू भैया, मनोज भैया, ये बाकी रवीन, अभी वो वहाँ भी चली जाइयो, राधा कुंज बढ़िया, 10-12-15 ऐसी पड़ा पड़ा कमरा जी, राजू भाई ने बोल दिए। और यहाँ खरगोन की जा कहूँगा सब खोला देगा, जेलू कहीं नहीं आई, जो कहूँगा सब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खरगोन को बड़ा सौभाग्य था कि मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय लेदर बॉल का पूरे प्रदेश से 20 टीमें आई और 20 जिलों की टीमें हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आज 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक इस कार्यक्रम का आयोजन है और पूरे प्रदेश के से 20 टीमें आई है और अच्छा खेल रही है। आज से शुभारंभ हुआ है और मैं सारी टीम, आने वाली टीमों को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजन समिति के तमाम सदस्यों से निवेदन करता हूं कि बाहर के आने वाली किसी प्रकार की किसी टीम को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, उनकी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, उन कमियों को हम दूर सब मिलकर दूर करें। साथियों, तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस छुट्टी के अवसर का सदुपयोग कर रहे हैं और हम ईर्ष्या भी कर रहे हैं आपसे कि आपको छुट्टी मिल गई और आप अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। हमें ऐसी छुट्टी कभी मिलती नहीं और हम इतना आनंद ले नहीं पाते। आप बढ़िया 5-6 दिन का आनंद लीजिए। खरगोन बाहर से आने वाली टीमों को बहुत पसंद आएगा, इसका प्रमाण मैं खुद हूँ। मुझे खरगोन इतना पसंद है कि दूसरी पोस्टिंग है मेरी, आज से 20 साल पहले मैं खरगोन में पोस्ट था,
और अभी वापस दोबारा पोस्टिंग हुई है। खरगोन आपको बहुत अच्छा लगेगा, नर्मदा के स्नान आपको अभिभूत करेंगे, आपको यहाँ की मेहमान नवाजी आनंद से सरोबार करेगी, आप बढ़िया एंजॉय करेंगे, अच्छा खेलें और मेरी शुभकामनाएं हैं आप विजेता बने। वैसे मेरा दिल से रहेगा खरगोन विजेता बने, लेकिन फिर भी सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि जब तक जीतता नहीं आदमी कोई हारता नहीं, और आप जीत कर भी जीतेंगे हार कर भी जीतेंगे क्योंकि खेल रहे हैं। हारने से और यदि आप चुनाव टूर्नामेंट हार भी जाते हैं, आप मैच हार भी जाते हैं, तो ये हार नहीं है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आप लोग जीते ही हैं, आज नहीं कल फिर जीतेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप खरगोन का आनंद लीजिए, खरगोन की सुहाने मौसम का आनंद लीजिए। आप देखिए नॉर्थ में ठंड पड़ रही है, साउथ में गर्मी है, यहाँ मौसम शानदार है, अच्छे से मौसम का आनंद लीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। अधिवक्ता संघ मेजबानी कर रहा है, किस प्रकार का उत्साह है? बहुत उत्साह है हमारे युवा साथियों में और जितने भी लोग हैं। खरगोन के सीनियर क्रिकेट क्लब क्रिकेट संघ खरगोन के सहयोग से यह महती आयोजन हमने लिया हुआ है। 22 दिन का छोटा सा समय मिला, इसके बाद भी हमारा जोश बहुत अच्छा है, लोगों की मेजबानी है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि लोग खरगोन के इस आयोजन को यादगार आयोजन के रूप में याद रखेंगे। जबलपुर से आई है, रीवा से आई है, सागर से आई है, होशंगाबाद से आई है, भोपाल से टीम आई है, खंडवा, धार, इंदौर, देवास, सिवनी, रीवा, 20 टीमें आए हैं, एक टीम खरगोन की है और 19 टीमें बाहर से हैं। खेल प्रेमियों किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे? खेल प्रेमियों से ये कहना चाहूँगा भैया कि हम इसकी व्यस्तताओं के बाद भी ऐसा मेहती आयोजन कर रहे हैं और हमारे क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्स को जिंदा रखा हुआ है। सभी से निवेदन है कि मोबाइल छोड़ के युवा साथी स्पोर्ट्स से जुड़े, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जीवन भी अच्छा रहेगा। अंतिम दिन 29 तारीख को 29 तारीख के दिन हमने ऐसा योजना बनाई हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय से किसी न्यायमूर्ति महोदय को बनाया जाए, खेल मंत्री जी ने तो अनुमति दे ही दे दी है, तो हम चाहते हैं कि अंतिम दिन का जो कार्यक्रम हो वो भी यादगार रहे। राजकुमार पाठक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब